सर्वमंगल मांगलिये शिवे सर्वासाधिके शरणम के गौरी नारायणी नमस्ते। जय श्री राम साथी नमस्कार। साथियों स्लो जय जयकरा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको माह अगस्त का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। तो मेष से लेकर मीन तक राशियों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो साथियों जैसा कि आपको पता था कि मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि चू चे चो चा ली लू ले लो अ, अगर यह नाम आपका है, नाम का प्रथम अक्षर है, तो इससे आपकी बनेगी मेष राशि। और मेष राशि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी और आपका गणपति महाराज दोनों से किसी की सहायता आप ले सकते हैं। आप जो है तो अगस्त में शनि की यथावत दृष्टि रहने की वजह से आपके जीवन में अनिश्चितता बनी रहेगी। मतलब ये एक महीने का जो फल बता रहा हूँ, कुछ स्वभाव में कुछ गर्मी उग्रता क्रोध की दिखाई पड़ रहा है कि लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति से जिससे आपके कुछ व्यक्ति विशेष जो व्यक्ति होता है समाज में, कुछ लोग जिसे नौकरी पेशा में कुछ अच्छे वर्ग के अफसर होते हैं और समाज में कुछ उच्च कोटि के लोग होते हैं, तो इनमें से किसी अच्छे व्यक्ति से यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो उस उच्च पदाधिकारी किसी संपर्क में आने से अथवा सामान्य जीवन में हैं तो किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क बनने से आपके बने जो काम बिगड़ चुके हैं उनके उसमें आप बनाने में सहायता प्राप्त होगी, उनके द्वारा आपको सहायता प्राप्त होगी। हाँ इधर कुछ खर्चा ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगी, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं। इसलिए सिर्फ आप ओम गं गणपते नमः का जप करते रहें, आपका कल्याण होता रहेगा। अब साथ ही आएंगे वृष राशि पर। तो वृष राशि के जातक जिनका स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं तो बड़ी ई ऊ ए ओ वा वी वु वे वो, जिन लोगों का नाम का प्रथम अक्षर इन अक्षरों से शुरू होता है उनको लगती वृष राशि बनती है। तो वृष राशि वालों के लिए आपका जो ग्रह स्वामी है, वृष राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो उनकी गलत स्थिति की वजह से नीचस्थ दृष्टि की वजह से नीचस्थ स्थान में होने की वजह से कुछ परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेंगी आपके जो है, इसकी वजह से चोट चाट आदि का भी भय बना रहेगा। चूँकि शुक्र जो है वाहन के कारक होते हैं तो यदि शुक्र की स्थिति खराब होगी तो वाहन इत्यादि से चोट लगने की संभावना बन सकती है, वाहन खराब हो सकता है। लेकिन सेकंड जो आपका वो पखवाड़ा बनेगा यानी 15 के बाद, तो उसके उसमें जो है आपका अकस्मात कोई विशेष धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपके जो भी इधर पीछे जो कमी रही होगी आर्थिक स्थिति के वो सब पूरा हो जाएगा। तो इसलिए वृष राशि वालों के लिए भी यह समय ठीक है। और आप आएंगे मिथुन राशि पर। तो जिन लोगों के का की कु घ अंग छ के को ह, ये नाम का प्रथम अक्षर है। ये साथियों जो नाम के जो प्रथम अक्षर मैं बता रहा हूँ, ये जो नौ नाम बोले, नौ नाम होते हैं कि एक राशि में नौ चरण होते हैं नक्षत्रों के जो है, इसलिए इनके जिससे देखे शुरू में का की कु मैंने बोला और फिर मैंने लास्ट में के को बोला, तो ये नक्षत्रों के चरणों के हिसाब से ये नाम होते हैं जो है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये जो समय होगा यह कुल मिला जुला करके न बहुत ख़राब होगा न बहुत अच्छा होगा, न परेशानी वाला होगा न लाभदायक होगा। लेकिन प्रथम पखवाड़े से यानी कि 5-6 तारीख के बाद से ये कुछ शरीर में कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है और चर्म रोग इत्यादि के बनने की संभावना बन सकती है। तो लेकिन 24 तारीख के बाद शुक्र की स्थिति बदलने से आपके निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे, जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होगी वह पूर्ति होती रहेगी, महालक्ष्मी कृपा बनती रहेगी आपके ऊपर जो है। तो इसलिए कोई विशेष उपाय नहीं आवश्यकता है। जब समय खराब रहता है तो उस समय को हम कोई नया इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं, कोई नया काम प्रारंभ नहीं करते हैं,
हाँ जो पुराने काम चल उनको यथावत की धीरे धीरे अपना करते रहे ताकि कोई कोई विशेष आपको हानि ना होने पावे। और अगर अच्छा समय चल रहा है तो इस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसमें लाभ कमा सकते हैं। अब आएंगे कर्क राशि पर, तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे डो ये होता है साथियों, तो ये होता है कर्क राशि। तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो साथियों ये भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा, निकट संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी और इसके साथ साथ किसी धार्मिक कार्यों पर किसी अच्छे कार्यों में आपको कुछ विशेष खर्च होगा। लेकिन 22 तारीख के बाद कुछ मानसिक तनाव और घरेलू उलझने बन सकती हैं। तो साथियों कर्क राशि जो होती है इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा की स्थिति बदलने से चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि आपको कुछ मानसिक कष्ट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का जप करते रहें। और यदि आप किसी अन्य संप्रदाय से हैं तो आप जैसे कि रात में चंद्रमा दिखाई पड़ता हो तो चंद्रमा को प्रणाम करें, और अगर चंद्रमा न दिखाई पड़ता हो तो चंद्रमा जिस दिशा में उदय हो रहा है उसमें ऐसे ही आपको उनको ध्यान देके उनको नमस्कार कर लेंगे, इससे भी आपको कुछ सहयोग प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद साथ ही आएंगे कर्क राशि वो सिंह राशि पर, तो सिंह राशि के जो जो अक्षर हैं वो म मी मू मे मो टा टी टू टे, जिन लोगों का नाम का प्रथम अक्षर यह जो हमने नाम बोले हैं यह होगा, तो उनकी होती है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के ये जो महीना कुछ रहेगा तो व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे यदि आप बिजनेसमैन हैं तो। लेकिन इस दौरान में आप किसी भी मतलब कि उसमें हों, सार्वजनिक जीवन में हों, नौकरी जीवन में हों, लेकिन इस दौरान कुछ आप अपने ऊपर विशेष कुछ खर्च करेंगे, जैसे कि आवश्यक शरीर के सौंदर्य प्रसाधन है अथवा घर के लिए जो आपका इक्विपमेंट्स होते हैं घरेलू साज सज्जा में वाहन इत्यादि में इसमें कुछ विशेष खर्च करेंगे। और 16 तारीख के बाद जो है 16 तारीख के बाद यानी कि 16 अगस्त के बाद कुछ विशेष आपका सहयोग प्राप्त होगा, लोगों का ग्रहों का अनुकूलता बनी पड़ेगी, मान प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। हाँ लेकिन थोड़ा सा ये हो गया, सिंह राशि के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, तो सिंह राशि में तो होता है शेर, मतलब कि शेर जैसा आपको क्रोध नहीं करना है। तो यदि आप जैसे कि मैंने बताया कि 16 अगस्त के बाद स्थितियाँ बदलेंगी, आपका कुछ विशेष गेनिंग की समस्या आने वाला है समय जो, लेकिन आप थोड़ा क्रोध करने से बचें, क्रोध करने से बचेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा जो है। अब आएंगे कन्या राशि पर, तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर टो टो पा पी पू लखनवाड़ा स अड़ ठ पे पो होगा, इन लोगों का नाम हो नाम प्रथम अक्षर होगा तो बनेगी कन्या राशि। और कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं। तो साथियों यह केतु की कुछ गलत स्थिति की वजह से जो है करीब 11-12 तारीख तक जो है आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण समय रहेगा, थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा रहेगा, परेशानी ज़्यादा रहेगी और स्वास्थ्य भी कुछ गड़बड़ रह सकता है। तो ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सा बुधाय नमः इस मंत्र का आप जप करते रहेंगे तो आने वाली समस्याओं से बचे रहेंगे। और यदि आपको कोई विशेष परेशानी हो रही हो, अब विद्यार्थी वर्ग हैं तो आप कुछ सिंचाई करिए गमले इत्यादि के जो है, आप एडल्ट हैं तो अपनी बहन को कोई हरा कपड़ा दान कर दीजिए, इससे आपकी समस्या साल्व हो जाएगी। अब आएंगे तुला राशि पर, तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू ते है, इन लोगों की बनेगी तुला राशि। और साथियों तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है कि अपने कुलीग से जिस आप आपके साथ जो नौकरी करते हैं जो साथी हैं उनसे किसी विषय में धोखा हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। और महीने के लास्ट में कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए मन अशांत रह सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, तो इसमें ये
इन सब कार्यों में शुक्र सूर्य भगवान का विशेष योगदान हो सकता है, जो कष्टदायक स्थितियाँ हैं। तो इसमें आपको ओम जो सूर्य के हमने 12 नाम आपको तमाम अपनी उसमें वीडियो बताए हैं, ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुषणे नमः, हिरणगर्भाय नमः, मरीचिनमादित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, सवित्ये नमः, भास्कराय नमो नमः। ये हमने 12 नाम आपको पढ़ सुनाए। आप इसको बार बार रिमाइंड करके और अपना जो है कि यही 12 नाम आप सूर्य भगवान को रोज जपेंगे तो आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। जो है अब आएंगे वृश्चिक राशि पर। जिन लोगों नाम का प्रथम अक्षर तो न नी नू ने नो या ई यू है उनका उनकी रक्ष बनेगी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कुछ मिला जुला रहेगा। इनके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आपके पर्सनालिटी में कुछ वृद्धि होने की संभावना हो सकती है। संतान संबंधी सुख प्राप्त हो सकता है यदि आप समवयस्क हैं, संतान पैदा करने के योग्य हैं तो। लेकिन शनि की ढैया की वजह से जो है कुछ है परेशानियां हो सकती हैं, जो है चिंता हो सकती है। तो शनि भगवान की पूजा पाठ करें। और जैसे मैंने शनि भगवान को प्रसन्न करने के अपने वीडियो में तमाम उपाय बता रखे हैं, ज़्यादा उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आएंगे धनुराशि पर। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर ये यो भा भी भू धा फ ठ भे है उन लोगों का नाम बनता है धनुराशि। तो धनुराशि वालों के लिए जो स्वामी ग्रह होते हैं साथियों वो होते हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति धनुराशि वालों के लिए शुरू के जो प्रथम पखवाड़ा है मतलब कि 14-15 दिन तक इसमें आवश्यकता अनुसार धन प्राप्त होता रहेगा। मनोरंजन और अन्य स्रोतों पर विशेष खर्च कर सकते रहें, प्रगति हो सकती है। और 15 तारीख के बाद कुछ विशेष उन्नति के भी योग बनेंगे जो है, इसलिए हमने दो भाग में बांटा इसको। जो है 15 तारीख के बाद जो है कुछ उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से, जैसे आप नौकरी पेशा में हैं तो कोई हायर अथॉरिटी से, समान जीवन में है तो किसी उच्च जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनसे आप संबंध बनेंगे, उनसे सहयोग प्राप्त होगा, उनकी वजह से आपको विशेष उन्नति प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएंगे मकर राशि के साथियों। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा गी है उन लोगों की बनेगी मकर राशि। मकर राशि स्वामी ग्रह होते हैं शनिदेव महाराज, और जानते हैं कि मकर राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। तो साथियों मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए कि 15 तारीख तक विशेष उलझन परेशानियां मानसिक तनाव हो सकता है, बहुत कोशिश करेंगे तो उसके आपको धन प्राप्ति होगी जो है आवश्यकता अनुसार। लेकिन 16 तारीख से बाद स्थिति में बदलाव होगा, आय कम रहेगा, खर्च अधिक रहेगा, लेकिन ये 16 तारीख के बाद कुछ बैलेंसिंग स्थिति बनेगी जो है, मतलब वो जो है कि आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूर्ति होती रहेगी। लेकिन एक सुझाव दूंगा कि महीने के लास्ट में मतलब ये जो अंतिम पखवाड़ा होगा 24-25 तारीख के बाद से, उसमें थोड़ा आपके अंदर उत्तेजना का वातावरण बनेगा, कुछ ग्रहों की स्थिति वजह से, दृष्टि की वजह से, और इसकी वजह से आप थोड़ा क्रोध करने से बचें तो आपका कल्याण होगा जो है। अब आएंगे कुंभ राशि पर साथियों। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर गे गो गे गे गु गे गो सा सी सु से सो दा ये नाम का प्रथम अक्षर है तो बनेगी कुंभ राशि। और कुंभ राशि लिए क्या होगा साथियों कि शुरू से ही जो है आपको उतार चढ़ाव लगा रहेगा, धन लाभ उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे, किसी शुभ कार्यों पर खर्च होगा। लेकिन 16 तारीख के बाद कुछ उत्तेजना क्रोध की मात्रा बढ़ने वाली है, इसलिए थोड़ा आप सचेत रहें, उत्तेजना बन करने से रहें। और इसी दौरान में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए मैं पुनः सलाह दे रहा हूं कि आप उत्तेजित होने से बचें ताकि आपका स्थिति बैलेंस बनी रहे। अब साथी आएंगे मीन राशि पर। तो जिन लोगों के नाम का प्रथम अक्षर दी दू थ झ य दे दो चाची है इन लोगों की बनती मिथुन मीन राशि। मीन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बृहस्पति देव महाराज। तो
बृहस्पति देव जो मीन राशि वालों के लिए, इनका इस माह में कुछ अच्छे कार्यों में विशेष खर्च होने की संभावना बन रही है और वाहन आदि सुख सुविधा के जो कार्य हैं उन पर आपको विशेष खर्च होगा। महीने के लास्ट में कुछ तनाव हो सकता है कि और मीन राशि पर साढ़े साथी का प्रभाव है तो तनाव तो होना स्वाभाविक है। तो साथियों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ओम शनि, आप शनिदेव का पूजा करें। शनिदेव के लिए मैंने तमाम आम आपको उपाय बता रखे हैं। शनि चालीसा का पाठ करें, ओम प्रांग प्रिंग पौंग सह शनि नमः। कुछ न कर सकें तो कम से कम 3 माला इस मंत्र का जाप करें, ओम प्रांग प्रिंग पौंग सह शनि नमः। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय च नमः कालाग्रूपाय कृतांचाय वै नमः। जप करने के बाद इस मंत्र से आप उनको नमस्कार करें तो इससे शनि के जो कुपित हुए होंगे तो उससे उनको आपको लाभ मिलने लगेगा। और क्या कहते हैं कि शनि भगवान के जो इष्ट देवता हैं वो शिव भगवान हैं, आप शिव जी की पूजा पे पाठ करते रहेंगे तब भी आपको कल्याण होगा। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको आपके माह अगस्त में मेन से मीन राशि तक के जातकों के लिए मैंने उनका मासिक फलादेश बताया। आप उम्मीद है कि इसका आप देखेंगे सुनेंगे और जो परेशानी मैंने उपाय बताए उसका भी आप पालन करेंगे। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।